ओके, वेरी गुड मॉर्निंग है। आज डेट 24 अक्टूबर 2023 है। सामान पूरा पैक हो गया है। कुछ सामान मैं बाहर रख के आ गया हूँ। ये मेरा रूम था, छोटा सा रूम। इट इज़ वर्थ द प्राइस, आई थिंक 3500 कुछ इन्होंने लिया है मुझसे। ठीक है, उस मुश्किल घड़ी में जो साथ दिया मेरा वो ज़रूरी था। तो अभी मिलता हूँ मैं आपसे रोड पर। कुछ भी खाया पिया नहीं है। यहाँ से अभी सुबह के शायद 6:15 6:30 हो रहा है, यहाँ से निकलेंगे। दिमाग में सेट तो किया है मैंने रायपुर। अभी दिमाग चल रहा है कि रायपुर से आगे क्यों नहीं, वाई रायपुर। चलो देखते हैं, जैसा भी होता है आपको पता लग जाएगा। फ्यूल पंप पे बैठा हुआ हूँ। फ्यूल पंप पे मैंने देखा कि नेस्कैफे का बोर्ड लगा हुआ था और ये फ्यूल पंप पे भारत पेट्रोलियम का। बड़ा ही शानदार और सुंदर सजीला से लग रहा है ये। देखिए एकदम नया लुक दिया गया है। और मेरी बाइक यहाँ पीछे पार्क है, पीछे मेरे नेस्कैफे है और इसी में मैंने ऑर्डर दिया है अभी सैंडविच का। और कॉफ़ी मैं लेके आ गया हूँ, तो कॉफ़ी मेरे पास है। यहाँ पे आराम से पेट पूजा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना चालू करेंगे। सोचा है रायपुर रुकने का। मूड अगर चेंज हो गया तो हो सकता है कि फिर अपन घर पहुँच जाएँ आज। ये भी हो सकता है, अगर मैं प्लानिंग कर लेता 5:30 पर निकलने की ना तो पक्का हो जाता। पर मैंने थोड़ा सा आराम रेस्ट किया है, सोया है अच्छे से। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। ओके, तो अभी बज रहे हैं 8 और हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वर। और अब यहां से हमने रूट पकड़ा है कटक के लिए, तो यहां से अब कटक जाएंगे। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह की ठंडी हवा, टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। मज़ा ही आ गया इस रोड पर। अब देखना है आगे रूट कैसा है। मैं एक्चुअली पूरा सर्किट टाइप से ही कर रहा हूँ। सो टिल सोहेला तक तो कॉमन रूट नहीं रहेगा, सोहेला के बाद रूट कॉमन हो जाएगा क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट है। और अभी मैंने गूगल सेट नहीं किया है, सोच रहा हूँ गूगल सेट करूँ या नहीं करूँ। बाकी तो ठीक है, और इतना ही अपडेट आपको करना था। बाकी अपडेट आपको मिलता रहेगा एज वी प्रोसीड फर्दर इन द जर्नी। ये है कटक और हम यहाँ गए हैं अटक। बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ से बोला है कि आगे 10-12 किलोमीटर के बाद मांगी खोल करके कोई जगह है, मुंगेली शायद ऐसा कुछ नाम है। वहाँ से हमको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा टूवर्ड्स संबलपुर। रोड अभी तक अच्छा था और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा मिलेगा। सीधे जाएंगे तो कोलकाता, इधर जाएंगे तो पारादीप। अरे हाँ यार, अब मेरे को याद आ गया, वहाँ से मैं लौट रहा था तो पारादीप मुझे पड़ा था। यस यस यस, कोलकाता पारादीप, कोलकाता पारादीप। अरे भाई, अबे नीचे से आना था, ऊपर से आना था। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ये है महानदी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट लग रही है। उसी पे हम चले जा रहे हैं। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया यार। अरे ओ भाई साहब, मुझे तो लग रहा था कि छोटे। अरे भाई साहब, ये रेत देख रहे हो? अरे बहुत बड़ा पार्ट है इसका तो यार, बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। महानदी वाकई में महानदी है यार, जय हो महानदी। ये है अंगुल और अंगुल से हमको लेना है लेफ्ट टर्न। यहाँ पे पीछे बोर्ड लगा हुआ था संबलपुर का, तो ये फ्लाईओवर से आपको पहले मुड़े आना है संबलपुर के लिए। अभी तक रोड बहुत शानदार मिला है और मुझे उम्मीद लग रही है कि आगे भी रोड अच्छा होगा, क्योंकि 5 महीने पहले तो काम चल रहा था 4 लेन का, वो लगभग और भी अच्छा हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पर ठीक है, ये रूट लंबा है बट सुकून भरा है। और लंबे ठीक है, मतलब क्या है ना, शॉर्टकट्स होते अच्छे हैं बट देन दर्द भरे हो जाते हैं कई बार, गाँव में से और पता नहीं गलियों में से और कलियों में से कहां कहां से लेके आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लंबा मारूंगा, सुकून से जाऊंगा, क्योंकि सफ़र आज लंबा है इसीलिए बस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबे
और अच्छे रूट पे है, स्पीड मेंटेन आती है, और ये ट्रक वाला घुसेड़े ही आ रहा है, घुसेड़े ही आ रहा है। और मैं देखिए बोल रहा था कि रूट अच्छा होना चाहिए, और यहाँ स्टार्टिंग जो है मुझे कुछ खास अच्छी दिखाई दे नहीं रही है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो देखते हैं, बाकी तो पता लगते जाएगा आपको। बहुत ही खूबसूरत सफ़र हो चला है, रोड ऑलमोस्ट का काम चल रहा है, कहीं कहीं पर 100 मीटर 200 मीटर के पैचेज़ हैं जो ख़राब हैं, बाकी आप देख लो रोड एक नंबर बना हुआ है। पहाड़ भी हैं यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत सारी है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी टाइम 9:30 हो रहा है, और यहाँ से संबलपुर जो है ऑलमोस्ट 220 या 221 के आसपास बचा हुआ है अभी, तो लगभग 3-3.5 घंटे लगेगा यहाँ से जाने में। अब देखते हैं बाकी रोड कैसा है, अभी तो अच्छा लग रहा है रोड, मज़ा आ रहा है मौसम में। और उड़ते हुए झंडे को देखकर मुझे कल एक झंडा याद आ गया जो कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है, और कहते हैं कि सुबह उस झंडे का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, और शाम को कुछ और रहता है, मतलब दिन में कुछ और रहता है, शाम सुबह कुछ और रहता है। उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आया वो ये है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, क्योंकि मैंने जब रात में समुद्र किनारे खड़ा था तो बहुत तेज़ हवाएं समुद्र से धरती की तरफ चल रही थी, इसको सी ब्रीज बोलते हैं, और शायद सुबह तक ये चलती होंगी, क्योंकि जब मैं दोपहर में था समुद्र के पास में तो जो हवाएं थी वो धरती से समुद्र की ओर जा रही थी, तो मैं समझ गया था कि झंडे का रुख भी उसी तरफ है, और सुबह जो था झंडा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता होगा। रीज़न यही है, मे बी मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का ही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है, लोगों ने इतना गौर नहीं किया होगा। एक शॉर्ट ब्रेक लिए रुका था, ये M11 करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बोला इडली ख़त्म हो गई, डोसा ख़त्म हो गया, मैंने फाइनली फिर एक फेंटा पिया, पानी पिया, थोड़ा सा फ्रेश किया अपने आप को, और अच्छी जगह थी, मतलब अगर कुछ मिल जाता खाने के लिए तो बेटर होता। अभी बज रहे हैं 11:30, और मैं अंगुल से आगे, अंगुल में मुझे आधा घंटा करीबन लग गया, शहर से पूरा रोड निकाला है। अभी जो रोड है वो बहुत मस्त है, आप वीडियो देख ही रहे होंगे, तो रोड अभी यहाँ से अच्छी हो गई है। गोप्रो में थोड़ा इशू था, उसको भी मैंने चार्ज किया, थोड़ा CPR VPR देना पड़ता है बीच में उसको, अभी वो सही काम करेगा होपफुली। तो अभी अपन यहाँ से बस निकलने वाले हैं, अभी यहाँ से जबलपुर जो है वो 17 घंटे दिखा रहा है, और रायपुर दिखा रहा है 8 घंटे, लेकिन रोड अगर अच्छा है तो आई होप कि हम किलोमीटर्स में अगर बात करें तो यहाँ से जबलपुर है कुछ 800 किलोमीटर, 800 का मतलब होता है कि 70 की स्पीड पर लगेंगे 10 से 12 घंटे, तो देखते जैसा भी होगा वैसा इजाज़त करेगा अपन पहुँच जाएंगे आज, अगर सब कुछ सही रहता है तो। ओके, तो ये है वो रोड, अंगुल के बाद से संबलपुर तक ऐसी ही रोड मुझे मिलने वाली है, और 11:50 हो गया है, बस अभी जस्ट निकला हूँ मैं अपना ब्रेक करके, और अब यहाँ से थोड़ा टाइम पास चलेगा, आराम से बैठो सीट बांध के और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। गाड़ी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था, आई थिंक 200 किलोमीटर के बाद मैंने उसको रेस्ट दिया है। सुबह 7:30 बजे पहला ब्रेक, उसके बाद ही वाला ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं लिया, 10 बजे सोता था, करते करते 11:30 हो गया, अब नहीं, आराम चलने दो, अब 1 बजे के आसपास रुकेंगे खाना खाने के लिए, 1 से 2 के बीच में डेफिनेटली। एक बज गया है और ऑलमोस्ट मैंने शायद 80 किलोमीटर्स कर लिए हैं वहाँ से लास्ट स्टॉप से, और हम पहुँच गए हैं संबलपुर, और यहाँ पर हमारी गाड़ी में लग गया है रिज़र्व, और हमें भी लग गया है रिज़र्व, मतलब हम दोनों ही अब फ्यूल ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं, और जल्दी खाना खाएंगे, लंच करेंगे। टाइमिंग हो रहा है 145, टेम्परेचर हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी लंबा रन किया था ये वाला, और मतलब आई थिंक 120 किलोमीटर आ गए हैं पिछले लास्ट स्टॉप से, तो अब बस आगे कहीं पर रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। फाइनली हमने संबलपुर 2 बजे क्रॉस किया और रायपुर वाला हाईवे पकड़ लिया, ये पूरा 4 लेन है। अब देखना यह है कि यहाँ से रायपुर कितने किलोमीटर्स है और उसके हिसाब से अपन स्पीड मेंटेन करेंगे, तो अगर अपन रायपुर 5 बजे पहुँच जाते हैं तो 10 बजे जबलपुर लग जाना चाहिए आराम से। लेट्स डू इट। ये है मसाला पापड़, दाल आ गई अपनी, रोटी आ गई। संबलपुर से निकलने के बाद और आई थिंक 20-30 किलोमीटर के बाद एक ढाबा मिला है, पंजाबी ढाबा है, तो मैंने सोचा रुक के ढाबे पहले अपना भोजन कर लूँ, उसके बाद गाड़ी को भी भोजन कराऊंगा, थोड़ा रेस्ट ले लिया है, अब यहाँ पर खाना वाना खा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे अपन,
वापस रोड पर, रोड एकदम फोर लेन है, कोई इशू नहीं है। तो रायपुर पहुँचेंगे 5:30 तक, फिर देखते हैं आपसे मिलते हैं रोड पर। फिलहाल मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। ओके, तो 2:30 पे मैं अंदर घुसा खाना खाने के लिए और 2:46 पे आई वॉज आउट। 15 मिनट में खाना वाना खा के बाहर, पेट्रोल भी अपन ने फिल करवा लिया है 8 लीटर्स के आसपास। कांटा उठ रहा है, हाँ उठ गया। और अब यहाँ से बस गाड़ी पेलम पेल मचाई जाएगी रायपुर के लिए। रायपुर यहाँ से दिखा रहा था, पहले दिखा रहा था 274 संबलपुर से, अभी शायद मैं 40 किलोमीटर आ गया हूँ तो 230-240 ऐसा अच्छा होगा। 3 घंटे लगना चाहिए, मतलब 6 बजे तक रायपुर। फिर डिसाइड करेंगे कि वहीं रुकना है या आगे चलना है या कैसा करना है, वो देख लेंगे। ऑन द वे सब होता जाएगा, लेट्स रॉक एंड रोल। ओके, तो ये है छिबर्रा और पीछे है उड़ीसा और ये है छत्तीसगढ़। फ़र्क समझ में आता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती तुरंत। अब यहाँ पे आपको वो जलेबी नहीं दिखेगी बनी हुई। और क्या हो? हम SEG में एंटर कर गए हैं मेरे भाई, होगी बहुत मज़ा आ रहा है। ओ बीच में तो बहुत नींद आ रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद कंट्रोल की है। 4 बजे होगी हम पहुँच गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। अब यहाँ से रायपुर दूर नहीं और फिर दिल्ली भी दूर नहीं। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पे। एक छोटा सा ब्रेक लिया हाईवे नेस्ट मिनी पर, क्योंकि चेन में बहुत आवाज़ आ रही थी, ल्यूप करना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसको ल्यूप किया, अपने पेट को भी ल्यूप कर लिया चाय से और पानी से। 4:30 बज रहा है, 150 किलोमीटर्स मोर टू गो फॉर रायपुर। वहाँ पे आके अपना कॉल लेंगे वेदर वी शुड प्रोसीड फॉरवर्ड और वी शुड स्टे इन रायपुर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई विल कीप अपडेटिंग यू। लेट्स रोल ऑन द रोड। खूबसूरत सनसेट होने वाला है, सुबह से हो गई शाम और मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया इस राइड पर। बहुत बढ़िया व्यू, बहुत बढ़िया रोड मिली हुई है और मैं आ गया हूँ जहाँ तक है महासमुंद और आरंग के बीच में हूँ। बस रायपुर यहाँ से शायद कुछ 40-50 किलोमीटर दूर और है, थोड़ी देर में रायपुर पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 6 और अभी हमें अपना कॉल लेना बाकी है कि वॉट वी हैव टू डू, either we have to stop in Raipur or should move forward and stay somewhere near Chilpi or whatever it is. अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट ठीक है मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और अभी मैं पहुँचा हूँ कवर्धा या कबीर धाम, कुछ भी कह लो एक ही चीज़ है, और बज रहे हैं रात के 8:30। पहुँच गए हैं कवर्धा। कवर्धा मैं ट्राई किया था रूम लेने का, मिला नहीं। और यहाँ से चिल्फी 42 है और जबलपुर 235 है, तो लेट्स सी कि आगे क्या मिलता है अपने को। और अभी रात के बज रहे हैं 8:40, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, खाना नहीं खाया मैंने। ओके, तो ये है नटराज होटल एंड एडवेंचर रिजॉर्ट्स, वो अलग है ये अलग है। और यहाँ पे हमने खाया एक परांठा बिलुआ 74, लेकिन ज़रूरी था, भूख बहुत लग रही थी। और अभी टाइम हो गया 10, अब यहाँ से पेलम पेल मचाई जाएगी बस। चलो मज़ा आ गया यार, मज़ा एक नंबर मज़ा आ गया भाई, परांठा खा के भी
अरे रास्ते में भी बाप रे बाप, ठंडी बहुत तेज है यार, 22 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी पे। हो, अभी मैंने लेयर पहनी है और नीचे शूज़ में भी बंद कर लिया है। ठीक है, अब बेटर फील कर रहा हूँ। बस एक गलती हो गई, ग्लव्स जो थे ना, मैं अपने विंटर ग्लव्स छोड़ के आ गया। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी ठंड पड़ेगी रात में। जो भी है, जैसा भी है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। ओ भाई, एडवेंचर जो हो रहा है रात में, अरे भाई ऐसे मतलब घाटी में आप अकेले रहते हो और ऐसे चलते रहता है। 194 जबलपुर अभी बचा हुआ है, कर लेंगे आराम से, आज पहुँचेंगे। अब तो मतलब सोच लिया ना, पहुँच जाएंगे। अब मिलता हूँ मैं आपसे आगे और एडवेंचर के साथ। और हम आ गए हैं मंडला। अब यहाँ से केवल 90 किलोमीटर दूर है हमारी मंजिल जबलपुर। रात के 11:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। भाई साहब, ठंड जो थी ना रास्ते में बहुत तेज़ थी। तो बस अब बस जबलपुर पहुंच जाएंगे। और सुबह निकले थे 7 बजे, फिर संबलपुर पहुंचे 3 बजे के आसपास, और संबलपुर से रायपुर पहुंचे हम 6:30 बजे, और रात में 1 बजे हम पहुंच रहे हैं जबलपुर। ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है या बुरा है कुछ नहीं पता, बस जैसा मन होता गया वैसे चलते गए। तो फाइनली अभी आपसे गुफ्तगू करेंगे फाइनल वाली जबलपुर पहुंचने के बाद। रात के 1 बज रहे हैं, रीडिंग दिखा रहा है 965 किलोमीटर, और हम आ गए हैं जबलपुर। सुबह निकले थे 7 बजे, रात को पहुँचे हैं 1 बजे। तकरीबन 15-16 घंटे गाड़ी चलाई है हमने। और ऐसी राइडिंग को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही आप लोग ट्राई करें ऐसी राइडिंग। रात में ये राइडिंग बहुत ख़तरनाक है। जंगल का पैच बहुत ज़बरदस्त और डरावना था। अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो बिल्कुल भी मत जाना ऐसी राइडिंग पे, बता दे रहा हूँ मैं। इस टाइप की राइडिंग को एमेच्योर राइडिंग करते हैं, जो नौसिखिए होते हैं ना वो ऐसी राइडिंग करते हैं। हम जैसे नौसिखिए लोग ऐसी राइडिंग करते हैं। चलो, मिलता हूँ मैं आपसे अगली बार फिर किसी राइड पर। नवंबर में होगी ऑफ कोर्स, और वीकेंड राइड करेंगे। फिलहाल के लिए तो शबक है, शिवरात्रि, गुड नाइट, या गुड मॉर्निंग बोलूँ? रात का 1 बज रहा है, सुबह का 1 बज रहा है, क्या बोलूँगा? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है। मिलता हूँ आपसे अगली बार।